आर्यम आर्यम गुरुदेव, गीता सिंह जी ने एक सवाल भेजा है जो इस प्रकार है। दिस वॉज सो वेरी यूजफुल स्वामी जी, हाफ एन आवर इज रीजनेबल टाइम। आगे अपने संक्षिप्त विद्याएं बताएं, पात्रों के बारे में क्या हम मिक्स वैरायटी अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं? एक पर्सन के सिंपल हवन के लिए चांदी का किस साइज़ का, किस वेट का हवन कुंड होना चाहिए? हार्दिक साधुवाद गीता सिंह जी, बहुत सारे प्रश्न आपके आते रहते हैं, मुझे कभी कभी देखने को मिल जाते हैं जब मैं पढ़ता हूं उनको। और आप देखिए, इसमें क्या होता है कि आप कर सकते हैं, आप उसमें तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अष्टधातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, चांदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पात्र जो आप, अग्नि का मुख जो है परमात्मा का मुख माना गया है, यानी हवन कुंड जो है वो परमात्मा का मुख माना गया है। तो प्रयास करें कि जैसे हमारी जो एक बिलांद होती है, यानी कि तर्जनी से लेकर के और अंगुष्ठ तक का जो स्थान होता है, कम से कम उसका जो आकार है इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, आपके बिलांद से छोटा नहीं होना चाहिए। कोई भी कुंड आप देखें, उसमें वजन कितना रखना है, क्या करना है, ये आप निर्धारित कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आप वैदिक और दैवयज्ञ करते हैं तो चार मुख चौमुखा जो हवन कुंड होता है उसका प्रयोग करें। और अगर आप आदि शक्ति और देवी से संबंधित कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसमें आप त्रिकोण वाले कुंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। खुश रहिए।